हे फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल टॉक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वूट एप्लीकेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, वो कभी कभी ओपन नहीं होती या फिर लिखा हुआ आता है अनफॉर्चुनेटली ऐप हैज़ बीन स्टॉपेड, या फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम होती है और इसके कारण वूट एप्लीकेशन नहीं ओपन होती। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद वूट एप्लीकेशन सर्च कीजिए। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने वूट एप्लीकेशन अपडेट नहीं की होती तो उसके कारण उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ पर आपको अपडेट दिखता है तो आप अपडेट कर दीजिए, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क करने लगेगी। लेकिन अगर फिर भी उसमें प्रॉब्लम रहती है, फिर भी प्रॉपर वर्क नहीं करती वूट एप्लीकेशन, तो क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ। पहले आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में चले जाने के बाद वहाँ पर ऐप्स में चले जाना है और उसके अंदर आपको वूट एप्लीकेशन में चले जाना है। वूट एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर फोर स्टॉप पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। फोर स्टॉप करने के बाद आपको एक बार मोबाइल रिस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद 5 से 10 मिनट या फिर बन सके तो आधे घंटे बाद आपको एप्लीकेशन वापस से ओपन कर लेनी है और वहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क करने लगेगी। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर से दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। हमारे वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैंने ऐसे कई सारे वीडियोज़ बना रखे हैं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं।